हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये है हमारी गौरू, यहाँ पर छोटी गौरू, और इसको लगी है दर्द। तो कट्टू को मैंने बाहर बांधा है और गौरू और कालू को चरने ले गए हैं भारती, मीनाक्षी और कल्पना, और मैं हूँ घर में। तो मैंने कुछ काम भी करना था थोड़ा सा, मतलब किचन की दीवारों में कलर करना था। और यहाँ पर इसको भी दर्द लगी है तो इसको भी देखना पड़ेगा मुझे। और ये है यहाँ पर एक कट्टू, तो इसको बाहर बांधा है, और एक गौरू है तो इसको अभी थोड़ी थोड़ी दर्द लगी है। इसको मैं बना लेती हूँ खाने के लिए कुछ गरम गरम। तो ये मैंने दलिया डाल दिया गाय के लिए, और अभी चूल्हे में आग वो कर दी है तो मैं गैस के ऊपर ही बना दूंगी। और ये डाल दिया मैंने पानी, क्योंकि गरम गरम दलिए से इसकी दर्द जल्दी लगेंगी और जल्दी इसके बच्चा हो जाएगा। तो ये डाल दिया मैंने गाय के लिए दलिया। तो गुड़ मैंने इसके बीच में डाल दिया और दलिया भी पक चुका है। इसको दूंगी मैं गरम गरम खाने के लिए, ज्यादा गर्म भी नहीं दूंगी इसको, थोड़ा सा ठंडा होने दे दूंगी और नीचे उतार के ठंडा कर लूंगी थोड़ा सा, और फिर उसको खाने के लिए दूंगी। और यहाँ पर बन रही है चाय, और ये दे दूंगी मैं इसको थोड़ा सा गुड़ खाने को। लो गौरू, ये मेरा छोटा गौरू है, ये छोटा गौरू। तो ये बन गया दाला, और अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ ठंडा होने के लिए। आलू अखे बनाऊंगा वो गाय के यार, बनाऊंगी तो बनाऊंगी, ये वो गोरू खेया। तो ये मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पे इसको ठंडा होने के बाद। इसको मैंने दे दिया गरम गरम दाला खाने के लिए, और साथ में चाहिए था पूरे साफ चीज कई मम्मी। बस बस बस, हेलो जी भासी नहीं लगी थी क्या करने? उठो बे, चल पेड़ जी उठिंग ना मम्मा। हो गया हमारी गोरु के बच्चा और ये बच्ची है। तो अब इसको मैं फिर से बनाऊंगी गरम गरम दलिया खाने के लिए।
ये जेर जल्दी से फेंक दे और फिर मैं इसको नहलाऊंगी बाहर। तो ये है बच्चू गौरू का। उठ ते बे, उठ उठ रे। अब मैं इसको दलिया बनाऊंगी और फिर जेर फेंक देगी जल्दी से। अब मैं इसको भर लेती हूँ इसमें, क्योंकि गौरू के लिए हमारी नौवां महीना लगा है, तो गौरू के आने से पहले पहले मुझे सारा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर नहीं तो उसका बिगाड़ रहता है। तो ये बनाया है फिर से दलिया इसको सोने के बाद। तो इसको मैं डाल देती हूँ इस बर्तन में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया था और हम आम के ऊपर रखूंगी। तो गैस मैंने बंद कर दी और यहाँ पर बच्चों ने बुरे हाल किए हैं, इनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी रसोई की लिपाई भी करनी है। तो मैं लगी थी रसोई की लिपाई करने और उतने को इसको हो गई तकलीफ, मतलब दर्दे लगना शुरू। तो मैंने सोचा कि इसका ही काम कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी रसोई की लिपाई। तो ये बना रही हूँ मैं इसके लिए दलिया फिर से, साथ में डाल दूँगी इसको ये डालडा, क्योंकि ये खिलाना चाहिए हमें इनको। तो मैंने एक हाथ से फोन पकड़ा है और एक से मैं काम कर रही हूँ। तो ये डाल दिया मैंने इसको घी, और अब मैं इसको हमाम के ऊपर पका लूंगी। अब मैंने इसको गर्म पानी पिला लिया और दलिया रखा है बाहर हमाम के ऊपर। हमाम से ही लाया मैंने पानी। तो गर्म गर्म चीज़ें खिलाने से हमारी मतलब पशु जल्दी ये फेंक देता है जेर। और देखिए बच्ची उठ चुकी है छोटी सी। के जानी पीलो पीलो करू। तो ये बना दिया था मैंने फिर से गुड़ डाल के डाला और दलिया। तो इसको मैं फिर से दे दूंगी गौरू को खाने के लिए, ताकि ये जल्दी से जेर फेंक दे। तो ये दे दिया मैंने इसको खाने को, और साथ साथ में मैं कट्टू को भी नहला रही हूँ। देखिए क्या कर रही है पूरा आगे। तो इसको नहला लेती हूँ जितने को ये खाएगी। ठहर ठहर ते ताकि हम दस आई आऊ पोर सब। चलो खा दे दो, खा दे दो। क्या पुखाना है ना कि यह आती दूध पिलाना है सखी जी, क्या कर चल चल पूरे जा, जा चल जा पूरे चल जा पूरे। ये सर दुगनी सब पूरे। तो ये फेंक दी जेर गाय ने और जेर, और इसको मैं घास के पुल्ले के बीच में बांध दूंगी। और अगर आप पूरी इसकी जानकारी देखना चाहते हो तो मैंने कालू की डिलीवरी हुई थी दूसरी गाय की मेरी थी, तब भी मैंने शेयर की थी, उसको देख सकते हो। अब मैं इसको छोड़ दूंगी कैक्टस के पेड़ के ऊपर। तो अब
अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ इसका दूध। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी बच्ची दूसरी कमरे में है, उसके साथ कालू की बच्ची भी है। तो अब मैं दूध लेती हूँ इसको। नहीं लगना पता हो गया, पी 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 देख लगी गुड़ ने गुटकी जी। तो यहाँ पर देखिए पूरी रसोई खाली कर दी है और पूरा सामान बाहर निकाल दिया है। देखिए कुछ यहाँ पर है और कुछ लेंटर के ऊपर है। तो मैं लगी थी इसे सुबह से इसकी लिपाई करने और उतने को उसको छोटी गौरू को दर्द लग गई। और फिर मैं मुझे वहीं पे भी वहीं पे क्या 3 बज गए मुझे उसका काम करते करते। तो अब मैं निपट चुकी हूँ और अब मैं करूँगी यहाँ पर किचन की लिपाई। तो पहले जो धुआं जमा रहता है ऊपर इन स्लेटों के ऊपर उसको निकाल लूँगी और दीवारों के ऊपर भी है। और उसके बाद जो मिट्टी निकली हुई है इन दीवारों से उसको लगाऊंगी और उसके बाद करूँगी क्या बोलते हैं उसको कलर दीवारों में, मिट्टी का ही होगा वो भी। तो अभी पी रही हूँ चाय, देखिए चाय पी लेती हूँ उसके बाद करती हूँ फिर काम। तो भारती ने बनाई चाय और